हेलो गाइस, मैं हूँ नजी और आज मैं अपनी पहली वीडियो बना रहा हूँ अपने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पर ऑलराउंडर नजी के नाम से। तो आज मैं आपको ऐसी वीडियो बताने जा रहा हूँ जो आपके काम में आनी है, क्योंकि हर किसी को चाहिए अपनी फिटनेस, ठीक, अपनी पर्सनैलिटी जो हर कोई बनाना चाह रहा है। और मैं हर लोग जाते हैं जिम वगैरह एक्सरसाइज करने, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि घर बैठे भी एक्सरसाइज करी जा सकती है बिना किसी इक्विपमेंट के, ठीक। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के, ठीक। तो चलिए पहले एक्सरसाइज बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पुशअप्स, ठीक। अपने हाथ का एरिया आप कितना लेना है, मतलब जितना आपका शोल्डर का मतलब साइज हो उस हिसाब से आपको गैप रखना है अपने हाथ में, ठीक। मेरा इतना आ रहा है, मैं रखता हूँ, ठीक है। और अपना पोस्चर बिल्कुल बैक का, ठीक, पूरा सीधा लेना है, स्ट्रेट एकदम। और चलिए शुरू कर दें। तो इसके आपको लगाने हैं 3 सेट, जितनी आपके रेप्स लग सकते हैं 15-20, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी आप लगाएं, ठीक है। 3 सेट इसके लगाएं और आराम आराम से लगाने की कोशिश करें। जितना आपका लोड पड़ेगा ना आपकी बॉडी पर, उतना आपकी बॉडी में फेयर बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दूसरी एक्सरसाइज बता देते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज ये है जो आपकी होगी अपर चेस्ट के लिए, उसके लिए आपको या तो कुर्सी चाहिए या कोई स्टूल वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको, ठीक। तो करना ये है आपको, सबसे पहले अपने वो ही गैप लेना है आपको, ठीक है, अपने शोल्डर के हिसाब से, और अपने पैर रख लेने हैं चेयर के ऊपर, ठीक। और आपको इसी के ही जितने आपसे रैप्स लग सकें उतने लगाइए और 3 सेट लगाने। चलिए शुरू करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. यो हो गए हमारे दूसरे एक्सरसाइज, ठीक है। आपको ऐसे करनी है, जितने आपसे रख सकते हैं सके उतनी लगाइए, 3 सेट इसके लगाने हैं। अब चलते हैं तीसरे एक्सरसाइज की तरफ, चलिए एक्सरसाइज पे। तो बताता हूँ आपको, आप या तो चेयर ले सकते हैं या टेबल वगैरह जो कुछ भी हो उसका यूज़ कर सकते हैं आप लोअर चेस्ट के लिए। हमें लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज करनी है अब, ठीक है। तो इसके भी हम 3 सेट लगाएंगे, जितनी आपसे रैप्स लग सके। मैं तो कहूँगा कि आप 15 की रैप्स रखें अपने एवरेज में, ठीक है। शुरू करते हैं, तो वही है आपको गैप वही रखना है अपने शोल्डर के हिसाब से, और बिल्कुल स्ट्रेट आपकी बैक होनी चाहिए, ठीक। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. तो ये हो गए हमारे 3 सेट, इसके हमने 3 सेट लगाए, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कम्प्लीट, ये लोअर चेस्ट की। अब हम करेंगे इनर चेस्ट के लिए, ठीक है। चलिए चौथी एक्सरसाइज बताते हैं आपको, चलिए हम आपको बताते हैं चौथी एक्सरसाइज ये है इनर चेस्ट के लिए। वो आपको कुछ वैसी ही यूज लेना है अपने मेज का या किसी टेबल वगैरह का, टेबल का या किसी कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो बड़ी हो जिस पर हम हाथ रखकर कर सकें एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए अब इनर चेस्ट के लिए हमने लोअर चेस्ट के लिए हमने अपने स्पेस जो रखी थी हाथों की वो अपने शोल्डर के हिसाब से रखी थी। अब हम इन ग्रिप को अपने हम कम कर लेंगे, गैप कम रख लेंगे, ठीक है। गैप कम रखेंगे तो हमारे जो
इनर चेस्ट पे जो लोड पड़ेगा ना वो गैप कम रखने की वजह से पड़ेगा हाथ के, ठीक है। जितना हमारा गैप कम होगा उतनी हमारे लोड पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही हमने रख लिया हाथ स्टार्ट। उठते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आपके इस हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो जो आपके इनर चेस्ट पर लोड पड़ रहे हैं। ये हो गई हमारी इनर चेस्ट की भी ये एक्सरसाइज। आप चार एक्सरसाइज बताई मैंने आपको, ये आप ट्राई करें डेली रूटीन में रख लेंगे तो जो भी आप जैसे हिसाब से आप एक्सरसाइज करना चाहें इसको करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।